नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा, आपका शुभचिंतक, आपका सखा, आपका विश्वासपात्र। दोस्तों, आज तारीख है 18 मई 2020, शुभ दिन है सोमवार, शुभ नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, शुभ तिथि है एकादशी। दोस्तों, एकादशी तिथि का हमारी ज्योतिष में और धार्मिक परंपराओं में एक अपना अहम महत्व है। आज की तिथि के बारे में जो खास बात है वो ये है कि आज चावल का भोग भगवान को नहीं लगता है और आज के दिन मानव के लिए चावल खाना भी हमारे शास्त्रों में निषेध माना गया है। आज के दिन चावल खाने से जातक को कई प्रकार के रोग लगते हैं और उसकी बोलबानी में और स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही समझदार थे, उन्होंने हर चीज़ को पाप और पुण्य की परिभाषा में जोड़ दिया। हमारे शास्त्रों में आज के दिन चावल खाना वर्जित है, तो दोस्तों आज के दिन आप चावल ना खाएं। ऐसा करने से आप अच्छा अनुभव करेंगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपका मन ठीक रहेगा और आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी। दोस्तों, आज अगर हम अंक विद्या के हिसाब से बात करें तो 18 तारीख का जो अंक बनता है वो बनता है 9। 9 का अर्थ है मंगल। आज मंगल अंक वाले जिनका 9 अंक बनता है उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, उनके प्रयास सफल होंगे, जो भी वो कामनाएं करके आज चलेंगे उनके सभी मनोरथ आज पूर्ण होंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक, आज धन की कमी आपको परेशान कर सकती है, थोड़ी बहुत समस्या धन संबंधी आपको लग सकती है, पर आप अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपने बल से आज आप आगे बढ़ेंगे और इस समस्या का काफ़ी बड़ा हिस्सा आप हल कर लेंगे। वृष राशि, वृष राशि वाले जातक को आज रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, आप कीजिए, आपके मनोरथ आज पूर्ण होंगे, धन संबंधी समस्याओं का आज आपका हल होगा, आपकी सोच आज सही दिशा में जा रही है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक, आप राहु के कारण भ्रमित हैं, भ्रमित होना आपका बनता भी है। कोई भी फैसला, कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में ना लें, सलाह लेके चलें, टेवे दिखा के चलें, आपका अभी समय अनुकूल नहीं है। आज का दिन तो खास करके आपके लिए परहेज का दिन है, शांति से काटने वाला दिन है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक, आज आपके लिए थोड़े सा बुरी दिन है, बुरी खबर है, आज आपको चोट लग सकती है, कहीं आपका माइनर एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ा सा आज आप भ्रमित भी रहेंगे, ना हाँ, आज इसी चक्कर में आप लगे रहेंगे। आज आप अपने माता जी के चरण स्पर्श करें, विष्णु भगवान की आराधना करें तो आज आपका दिन बढ़िया और शांति से बीत जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक, आप थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें, चापलूसों से बचें और थोड़ी सी अहंकार से बचें। आपके लिए दिन आज बढ़िया नहीं है, सतर्क रहें, सावधान रहें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है, आपकी योजनाएं धीरे धीरे मच्योर होने शुरू हो गई हैं, आज उनको नई रूपरेखा मिल सकती है, गड़ा हुआ, रुका हुआ, मरा हुआ धन मिल सकता है, प्रयास करें, आज आपका दिन बढ़िया है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक, आज आप सौंदर्य पसंद करेंगे, घूमना फिरना पसंद करेंगे, अपने कार्य में कुछ नया सीखेंगे और आज आपको सीखने के बहुत चांसेस मिलेंगे, आज आपका दिन बढ़िया है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक, क्रोध आज आपके लिए घातक है, आज क्रोध को घर में छोड़ के जाएं, किसी भी काम को करने से पहले भगवान के मंदिर में दर्शन करें, घर से जाने से पहले अपने गुरुदेव को, अपने माता पिता को नमन करके जाएं, वो करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्रोध से आप परहेज करें,
लड़ाई झगड़े से बचें, कोर्ट कचहरी से बचें। धनु राशि, धनु राशि वाले जातक, केतु देव के कारण आप थोड़े से विकट परिस्थिति में हैं, माने या ना माने वाली स्थिति में है, करें या ना करने वाली स्थिति में है। आज आपके लिए जो खास बात है वो ये है, कुछ भी नया करने से पहले पक्षियों को सतनाजा डालें, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मकर राशि, मकर राशि में शनिदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। आपका दिन थोड़ा कठिनाइयों वाला हो सकता है, मेहनत वाला हो सकता है, काम के बोझ के तले आप दब सकते हैं, यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु मन को स्थिर रखें। एक नींबू घर से निकलते समय अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ फेंके जाएं, ऐसा करने से आप प्रेशर कम महसूस करेंगे, काम ठीक तरह कर पाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक, आपके घर में जो भी बिजली का सामान फालतू पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, आप उन सबको घर से निकाल दीजिए। आज किसी भी प्रकार की कोई डील मत कीजिए, साइन करने से पहले 100 बार सोच लें, समझ लें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, आपके अपने ही आपको घेरने के लिए तैयार बैठे हैं, बचें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक, आज निश्चित तौर पे आप विजयी होंगे। जिस कार्य के लिए आप बहुत देर से प्रयत्न कर रहे हैं, आज आपका वो कार्य सिद्ध होगा और आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके आस पड़ोस में आपकी इज्जत मान बढ़ेगी। जो भी कार्य आज आप सोचेंगे, सुबह भगवान के सामने मंदिर में मस्तक झुकाइए, आप जो भी कार्य सोच के जाएंगे, आपका सभी कार्य सिद्ध होंगे, ऐसे आज ग्रह गति का प्रभाव आपके लिए है। दोस्तों, यह था आज का राशिफल, इसके साथ ही मैं इजाज़त लेता हूँ। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव ओम।